नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत स्वागत है श्री मंदिर के दिवाली स्पेशल वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि गोवर्धन पूजा की शुरुआत कहां से हुई और भगवान श्री कृष्ण को गिरिधर क्यों कहा जाता है? हम इन सभी प्रश्नों के ऊपर आज बात करेंगे हमारे इस वीडियो में और जानेंगे गोवर्धन पूजा का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दिवाली पंच दिवसीय त्योहार है जिसके दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस पर्व पर गोवर्धन और गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। लोग अपने घरों में गोबर से गोवर्धन का पर्वत बनाकर आराधना करते हैं। गोवर्धन पूजा की कहानी श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं में प्रमुख है। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में उन्होंने अपने बाल्यकाल में अनेकों लीलाएं की हैं, इसलिए ब्रज को स्वर्ग का हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है कि एक दिन बाल्यकाल में नटखट कान्हा ग्वाल बालों के साथ खेलकर घर आए तो माँ यशोदा घर में पकवान बना रही थी। कृष्ण ने माँ यशोदा से पूछा कि इतने तरीके के पकवान और व्यंजन किसके लिए तैयार कर रही हो माँ? मुझे भी खाना है। इस पर यशोदा माँ ने बताया कि ये पकवान स्वर्ग के देवता इंद्र के लिए हैं। पहले उन्हें भोग लगाया जाएगा, उसके बाद ही बाकी लोगों को खाना खिलाया जाएगा, नहीं तो इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे और बारिश नहीं होगी जिससे जमीन बंजर हो जाएगी और लोगों को अनाज नहीं मिलेगा। इस पर 7 साल के कान्हा ने अपनी माँ से पूछा, क्या आपने कभी इंद्र देवता को देखा है? इस पर माँ ने कहा, नहीं मैंने तो नहीं देखा, लेकिन उनकी वजह से ही ब्रज में हरियाली है और वही वर्षा करते हैं, इसलिए सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों में पकवान बना रहे हैं। कान्हा ने कहा, माँ इस बार आप मेरे भगवान की पूजा करो जो आपको दिखाई भी देगा और आपसे पकवान भी मांग कर खाएगा। कन्हैया ने अपनी ये बात नंद बाबा और ब्रज के सभी लोगों के सामने रखी, जिस पर सभी ने कहा कि कई वर्षों से हम इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं, इस बार कृष्ण के देवता की पूजा करेंगे जिससे खुश होकर अधिक वर्षा करें। श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज पर्वत के सामने खड़े हो गए। वहां पहुंचकर सभी ने कृष्ण से उनके देवता के बारे में पूछा। तभी कान्हा ने आवाज लगाई और कहा, गोवर्धन नाथ, सभी ब्रजवासी आपको भोग लगाने को पकवान और व्यंजन लाए हैं। तभी गिरिराज पर्वत में से श्री गोवर्धन नाथ जी ने देवता के रूप में सभी को दर्शन दिए और सभी लोगों से पकवान मांग कर खाया। अपने हाथों से गोवर्धन महाराज को भोग लगाकर सभी ब्रजवासी खुश हो गए। लेकिन जब ये बात इंद्रदेव को पता चली तो वह नाराज हो गए। इंद्र ने कहा, एक 7 साल के बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा ना करके एक पर्वत की पूजा की है। क्रोध में आकर इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे डरे ब्रजवासी कान्हा के पास गए और कहा कि अब तुम ही हमारी रक्षा करो, हमने तुम्हारे कहने पर इंद्र की पूजा नहीं की। तब कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत चलने को कहा। इसके बाद सब लोग गोवर्धन पर्वत पहुंचे, जहां भयभीत ब्रजवासियों को देखकर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया और संपूर्ण गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचा लिया। गुस्साए इंद्र ने ब्रज में 7 दिन और 7 रात मूसलाधार बारिश की। जब इंद्र के पास जल समाप्त हो गया तो उन्होंने सोचा कि अब तक तो ब्रज खत्म हो गया होगा। ये देखने के लिए इंद्र ब्रज भूमि पर आए तो देखा यहाँ तो धूल मिट्टी उड़ रही है। वहीं कृष्ण
21 किलोमीटर में फैले विशाल गिरिराज पर्वत को उंगली पर उठाए हुए थे। इस नजारे को देख इंद्र श्री कृष्ण के पैरों में गिर गए। उन्हें मनाने के लिए कृष्ण को ऐरावत, हाथी और अन्य कई वस्तुएं भेंट की, लेकिन कृष्ण नहीं माने। फिर इंद्र ने नारद जी की सलाह पर सुरभि गाय भेंट की और क्षमा मांगी। गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद जब कृष्ण से ब्रजवासियों ने पूछा कि इतना विशाल भारी गिरिराज पर्वत तुमने कैसे उठा लिया, तब कान्हा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, राधा जी की कृपा से गिरवर लिया उठाए। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया तथा उनके सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी, सभी गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुख पूर्वक रहे, तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, उनसे बैर लेना उचित नहीं है। तब श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपने इस कार्य पर बहुत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। भगवान कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से ये उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान के निमित्त भोग और नैवेद्य बनाया जाता है, जिन्हें 56 भोग कहते हैं। अन्नकूट पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही दारिद्र का नाश होकर मनुष्य जीवन पर्यंत सुखी और समृद्ध रहता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई मनुष्य दुखी रहता है तो वह वर्ष भर दुखी ही रहेगा, इसलिए हर मनुष्य को इस दिन प्रसन्न रहकर भगवान श्री कृष्ण को प्रिय अन्नकूट उत्सव को भक्ति पूर्वक और आनंद पूर्वक मनाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि गोवर्धन पूजा कब से और क्यों मनाई जाती है। आशा है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसमें आपके अपने पंडित मिलन भट्ट बताएंगे आपको गोवर्धन पूजा की विधि के बारे में। हम आशा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। अगला वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। नमस्कार।